वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम अहमद अस्य, मैं हूं वैश्विक सोएज। आज की वीडियो एक बहुत ही ऑसम होने लगी है वीडियो, तो बाइक लवर्स आपके लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो की काफी ज्यादा हमें रिक्वेस्ट भी आई है क्योंकि एक मंथ पहले आई है और काफी ज्यादा लोगों ने हमें इसकी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है स्ट्रीट रेस इन इंडिया, ब्लास्ट केटीएम आरसी 200 वर्सेस आर 15 V3 ड्रिफ्ट रेस ऑन स्ट्रीट। मतलब केटीएम आरसी 200 वर्सेस आर 15 की रेस होने लगी है इंडियन रोड्स पर। आपको पता है स्ट्रीट रेस बहुत ही खतरनाक होती है, तो बिल्कुल भी आप लोग ये ट्राई बिल्कुल ना करना, लेकिन देखते हैं। काफी देखने में तो मजे ले सकते हैं, ट्राई नहीं, लेकिन ट्राई ना कर रहा तो जल्दी से देखते हैं। स्मैश बीस्ट का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। देखते हैं भाई स्ट्रीट पे कैसी इंडियन स्ट्रीट रेसर किस टाइप के, किस टाइप के। मैंने सीरियसली नहीं देखी इस तरह की वीडियो आज तक इंडिया की। तो काउंट डाउन करते हैं 3-1 एंड स्टार्ट। वो कह रहा ये क्या था यार, ये कर रहे क्या है? वो कटी कट कट्स देखो भाई इनके, ये देखो अरे इतना खतरनाक काम करते हैं यार ये, कैसे कैसे ओ करते भाई यार। ये देखिए ब्रेक भाई, मतलब कट्स केटीएम चला रहा है दूसरा, ये इसके पास भी केटीएम है। ये आर 15 आप कौन सा है, यामाहा का? ये किस तरह चला रहा है, क्या है भाई? ब्रेक्स कैसी मार रहा है यार। ओ, ओ, ये देख, ये देख। यहाँ से रेस चलेगी, टायर से धुआं कैसा निकाला है इसने, क्या मस्त बाइक है वैसे, है ना भाई? हाँ है ना, सच में देखते हैं भाई कैसी रेस है। गाइस यहाँ निकल रहा है था भीतरी केटीएम केटीएम केटीएम, चलो आज देखते हैं। काफी सारे केटीएम है, सारे केटीएम है भाई। पहले मोड़ तो दो भाई ये भाई फुल स्ट्रीट्स पे काफी टफ होगा, ये इतनी स्पीड देखो भाई यार, ये स्ट्रीट पे इतनी भाई ये क्या कर रहे हैं यार भाई, ये जग रहा है और दूसरी बात खतरनाक है बहुत। हाँ भाई बहुत खतरनाक है यार, लेकिन उनका कंट्रोल बहुत हैवी है, बहुत लग रहा है कंट्रोल बहुत हैवी है उनका। ये देखो भाई जिस तरह चला रहे हैं, देखो खाली जिस तरह ये चला रहे हैं, मुझे तो डर है जो पीछे बैठा हुआ उड़ ही जाएगा। और मुझे जितना आइडिया है ना, जहाँ से ये अजीब कट्स मार रहे होंगे, हाँ गालियां पक्की पड़ रही होंगी, जहाँ से भी अजीब कट्स लगेगा खाली। लाइट्स किस तरह मार रहे हैं बाइक से, हाँ पीछे से बहुत ज्यादा रश में चला रहे हैं भाई। भाई रश कितनी है ना। अब ये स्ट्रीट कौन सी आ रही है कोई कमेंट में हमें बता दे, मतलब कौन सा एरिया ये, किसी को अगर आइडिया हो तो। ये देखो भाई और रक्षा वाले ने सराई भी होगी, लग गया भाई लोग किस टाइप की रहे। चल 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 भाई, लोंडे हैं आप निकल रहे हैं बाइक लेकर तो। अरे लोंडे तो इसका ये मतलब तो नहीं है यार, पूरी जगह खरीद ली है। ये देखो निकल ही नहीं रहा बाइक, फंस गया भाई। ये रोड देखो और ये रेस देखो भाई, वो देखो सगले वाले को देखो, वो तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला है यार। ओ तेज, ओ यार ये स्ट्रीट में इतनी तेज जा रहे हैं यार, तो आगे क्या करते होंगे
तो मैं सोच रहा हूँ भाई, स्ट्रीट रेसिंग इसको बोलता जाता है, मतलब बहुत खतरे वाली रेस है भाई, बहुत खतरे है। इसमें अपनी जान को भी खतरा है और दूसरों की जान को, जो बैठे हुए उनको भी। ये देखो भाई, स्किल बहुत है बंदा, बंदा स्किल बहुत है, नहीं स्किल ले बैठती है। ये देखो भाई, ये 50 से ऊपर चल रहा है, 50 से 35, 32, 30 भाई। इस रोड पे ना 10-20 की स्पीड होती है, वो बिल्कुल, ये 50 बहुत हैवी है सर। ऊपर से कट्स इतने मतलब अजीब है। हाँ ये देखो, ओ भाई 50 क्या 70 पे चला गया है, 60 पे। हाँ वो 60 पे चला गया था। भाई ये कैसी स्ट्रीट रेसिंग होती है भाई उधर। हाँ कमाल किस्म की, मतलब है खतरनाक किस्म की है यार ये। ट्रैफिक पुलिस इससे पीछे वाला बंदा उतर गया, क्या कह रहा होगा इसका पीछे वाला। वो देखो भाई, ओ तेरे लोग कैसे निकला यार। ये देखो अगला बहुत स्केल है, वो KTM जो नहीं है, ये भी बहुत स्केल है, तो बड़ी स्पीड से निकला यार, ये भी उसी के पीछे पीछे जा रहा है। स्किल्ड है दोनों, लेकिन ये स्किल्ड बहुत खराब होती है यार, एक ही दफा लेके जान बहुत गलत है यार ये। क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है वाकई, बाइक की ब्रेक इतनी मस्त है। हाँ ग्रिप बहुत है बाइक की, ग्रिप सही है, मतलब ब्रेक में पकड़ के रखता है सही। कितना प्यारा बाइक है ना, बंद होगा यार सच में, सच में। बहुत हैवी किस्म की कट्स मार रहे हैं यार, मतलब यही दो आगे जा रहे हैं बाकी पीछे रहे। बस उनको कहा है मेरे बस का काम नहीं है, हाँ छोड़ के करता। वीडियो डालेंगे तो तुम्हारा फेस दिखाएंगे। अच्छा ठीक, ये लैंग्वेज किधर की है दिखाएंगे, ये मतलब भाई उनकी यूपी भी हो सकता है, बिहार ही हो सकता है। वीडियो डालेंगे तुम्हारा फेस दिखाएंगे, ये बिहार यूपी। हाँ मुझे भी इसी साइड के लैंग्वेज, हाँ इसी साइड के लैंग्वेज, बिहार यूपी। हाँ दूसरे बैंक वाले को देखो ना, हर किसी ने गालियां दी होंगे ऐसे लौंडो को। हाँ भाई ऐसे लौंडो को गाली सफा नहीं पड़ती। फुल अंधेरा है यार, उसके बावजूद भी इस बाइक चलाना चेक कर भाई, मतलब ये है तो प्रोफेशनल, लेकिन क्या भाई बोले, मतलब इतनी है प्रोफेशनल है तो चला रहे। ये रोड फिर थोड़ा खुला है, वो पीछे रोडों पे देखा है ना, प्रोफेशनल है तो ऐसे चला रहे, प्रोफेशनल ना हो तो फिर मैं पूछता। आ गया बाकी बंदे, वाह इन्होंने भी स्पीड मारी, वो रह जाएगा, ये वाले बहुत दोनों स्किल है ज्यादा। वो बाइक किस तरह घुमाता है, फ्रंट वाला तो कुछ ज्यादा ही है यार, ये भी घुमाता है लेकिन उसका फ्रंट शो हो रहा है ना। हाँ ये है, ये वाला भी घुमाता है ब्लू बाइक वाला भी, लेकिन क्या है उसका फ्रंट शो हो रहा है, मतलब वो फुल बाइक शो हो रहा है, इसका फुल नहीं हो रहा क्योंकि कैमरा इसके मतलब लगा हुआ है ना, क्योंकि दोनों साथ बिल्कुल जा रहे हैं।
स्पीड चेक कर। अच्छा ये खुले रोड में इतनी स्पीड नहीं मारते जितना गलियों में मारते हैं यार, यही तो मैं सोच रहा हूँ। ओ 90 पे ब्रेक बहुत तेज थी ना भाई, ब्रेक बहुत तेज, अनबिलीवेबल। उसका बाइक घूमा टायर उसका। केटीएम काफी लोगों के पास नहीं है? हाँ काफी लोगों के पास, हाँ काफी लोगों के पास, मतलब इंडिया में इतना यूज होता है केटीएम। ये इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। तो यार बहुत ही एक ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी। केटीएम मैं कह रहा हूँ जान है उधर की लोगों की, मतलब केटीएम भी जान, मतलब रोड्स पे काफी यूज होता है केटीएम। जो जो स्पोर्ट्स बाइकर्स है, मतलब जो अच्छा लगता है इस तरह के, मतलब बाइक लेना स्पीड मारना, वो केटीएम उनकी जान है भाई। दूसरी बात, जान तो छोड़ो, ये इन्होंने हमारी जान निकाल, सच में हमारी जान निकाल दी है। ये बात है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने हमारी जान निकाल दी। जिस तरह की इन्होंने रेस किया ना यार, सबसे पहले तो ये बिल्कुल इससे प्रभावित कोई ना होना, और मतलब होना। आप लोग ट्राई ना करना, क्योंकि ये प्रोफेशनल बंदे प्रोफेशनल है, करते हैं ये, मतलब डेली का काम है इनका। प्रोफेशनल भी नहीं, वो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सालों से, मतलब 10-15 साल से जो बाइक चला रहे हैं, और बाइक को वो ऐसे चलाते हैं कि जिस तरह मतलब उनके कुछ भी उनके लिए, मतलब कुछ भी खिलौना है। लेकिन ये थोड़ा मतलब रिस्की भी है, तो यार मैं तो यही बोलूंगा प्लीज मतलब ट्राई ना करना। और इन भाई लोगों को बोलूंगा तो कोई आम रेस करो, ये स्ट्रीट रेस ना करो यार। हाँ भाई आम भी ना करो, चलो फिर भी चलो हाँ। वो तो चलो खुला रोड होता है, खतरनाक ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें जो कट्स कुछ इस जगह पे ऐसी आई हैं, उधर मेरे खुद होश उड़ गए सच में, कि मतलब इस लेवल की कट्स मैंने आज तक नहीं देखी इस तरह के। एक दफा तो मतलब ब्रेक बड़ी मुश्किल से लगी, तो रक्षा था रक्षा के साथ उसको, क्योंकि ब्रेक बहुत ज्यादा स्पीड में आए भाई, तो वहाँ पे आगे बहुत ही पक्का लग गया। क्यों भाई सच में यार, जो भी बोलूं मतलब हार्ड था बहुत यार, बहुत हार्ड था। इनकी स्किल पे पहले तो यार इनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज्यादा, बहुत कमाल की थी, इनको बहुत ज्यादा कमाल की स्किल्स थी इनके पास। वो ये जिस वक्त बाइक इस तरह घुमा रहे थे ना, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वो वाला सिस्टम मुझे काफी ज्यादा हैवी लगा भाई। आपने वो नोट किया ना, मतलब यूं यूं पीछे से बाइक मतलब 90 की स्पीड में इस तरह और ऐसे ऐसे मतलब घुमा रहे थे जैसे उनके लिए यार ये कुछ भी ना, मतलब। और यार दूसरी बात, इस तरह का कोई हमारे सामने से गुजरे आप लोग गालियां देते हैं, गिरी देते हैं कमेंट सेक्शन में यार, कुछ तो चलो मतलब इंडिया में ये कॉमन बात हो गई है। इधर कॉमन है तो इधर भी कॉमन है, लेकिन ज्यादातर मतलब अगर जो सैलन सर्जन की आवाज भी आ रही होती तेज पक्की गालियां मतलब पक्की मिलती है यार। ओ भाई लेकिन इनका और जो इस तरह तेजी से यू यू करके अमीर पर भाई, दूसरी बात बताऊं, ये मैंने इस रोड पे काफी ज्यादा केटीएम देखे, मतलब हर दूसरे बंदे, हर दूसरे, ये कोई स्पेशल एरिया है जहाँ पर इतना ज्यादा केटीएम है, या पूरे इंडिया में भी इतना केटीएम मुझे पता है बिकता है यार। बाइक का क्रेज बहुत ज्यादा है, बाइक का क्रेज बहुत ज्यादा है, बिकते हैं हर, क्योंकि सामान केटीएम पे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हर किस्म का बाइक उधर बिकता है यार। देखा नहीं आपने, सामान तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, डोंट ट्राई होम पे तो ट्राई हो ही नहीं सकता, मतलब स्ट्रीट्स तो यार ट्राई बिल्कुल ना करना। तो चलते हैं यार, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।